तो गाइस मैं कम्युनिटी पोस्ट में आप लोगों से पूछता रहता हूँ कि आपका फेवरेट वेपन कौन सा है पबजी खेलते टाइम, क्योंकि पबजी खेलते टाइम हम लोग को बहुत ही वैरायटीज ऑफ वेपन मिलता है। सब लोग डिफरेंट डिफरेंट एआर या फिर स्नाइपर या फिर बोल्ट एक्शन चूज़ करते हैं, ओके। लेकिन इनमें से मेरा जो फेवरेट वेपन है ना, वो इस गेम में आप लोगों को पता चलेगा, क्योंकि इस गेम के बारे में मैं ना ही कभी पोल डाला हूँ, लेकिन ये वाला गन जो है ये बहुत ही ज़्यादा मेटा में आता है, क्योंकि इसका फायर रेट एकदम एक नंबर है। ये कोई सा भी स्क्वाड को 1v4 करने में बहुत ही इजी होगा। लाइक आपका स्किल तो ज़रूरी है, लेकिन इस गन का जो डैमेज है या फिर जो फायर रेट है वो बहुत ही ज़्यादा ऊपर रहता है बाकी कोई सा भी AR या फिर जितना भी सारे SMGs है सब गन में से। तो मेरा फेवरेट वेपन जानने के लिए गेम का एंड तक बने रहिए, क्योंकि उस टाइम मैं प्रॉपर 1v7 करने वाला हूँ। क्योंकि एक जगह पे ऐसा सिचुएशन बनता है ना जहाँ पे 2-3 स्क्वाड मेरे पे पुश करेगा, हाँ आप लोग सही सुन रहे हो, 3 स्क्वाड मेरे पे पुश करेगा, और मैं उस गन से कैसे डिफेंड करता हूँ ये आप लोगों को बस देखने लायक है। और इसके साथ एक और चीज़ मैंने नोटिस किया BGMI खेलते टाइम, हाँ मैंने कुछ दिनों से BGMI खेल रहा हूँ पबजी KR को छोड़ के, लाइक कुछ दिन पहले मैं पबजी KR खेल रहा था, फिर BGMI में हैकर कम हो रहे हैं तो मैं इसीलिए BGMI में फिर से शिफ्ट हुआ। लेकिन BGMI खेलते टाइम ना मुझे पिंग थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलता है, लेकिन ऑब्वियसली ये ज़्यादा पिंग बस मेरे लिए है, वरना नॉर्मल 50-60 जो पिंग आता है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। लेकिन जब मैं पबजी KR खेलता हूँ ना, तब नेपाल या फिर बांग्लादेश या फिर और भी बहुत सारे कंट्री का सर्वर मिलता है, लेकिन उसमें पता है पिंग कितना आता है, 30 से 40। लेकिन जब से मैं BGMI खेलना फिर से स्टार्ट किया, तब मुझे 50-60 या फिर कभी कभी कभार तो 70-80 तक भी पिंग चले जाता है। तो अगर पिंग ज़्यादा रहता है ना, तो स्टार्टिंग का जो बुलेट होता है, कुछ बुलेट वो रजिस्टर नहीं होता प्रॉपरली। लाइक जितना लो पिंग में खेलोगे स्टार्टिंग का बुलेट उतना अच्छे से रजिस्टर होगा, और जितना पिंग थोड़ा हाई रहेगा तो रजिस्टर नहीं होता उतना अच्छे से। तो इधर स्कूल अपार्टमेंट को क्लियर करने के बाद मैं ड्रॉप लूटने चले जाता हूँ, और ड्रॉप पे मुझे MG3 मिल जाता है। और आप लोग को बस देखो MG3 कितना ज़्यादा पावरफुल है। लाइक मेरे पे बोला ना टोटल 7 बंदे पुश करेंगे, कम से कम 3 स्क्वाड का बंदा तो मेरे पे पुश करेगा ही, तो उस पुश को मैं कैसे डिफेंड करता हूँ वो बस देखने लायक होगा। और अभी वो वाला सिचुएशन जस्ट स्टार्ट होने वाला है, तो जस्ट एंजॉय करो ये वाला सिचुएशन को, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंटेंस होने वाला है ये वाला फाइट। इस बंदे को मारने के बाद मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरे साथ सिचुएशन ऐसा गंदा होने वाला है। इसके बाद मैं जस्ट इसको मार के स्मोक कर दिया, और उसी टाइम एक बाइक का साउंड आता है मेरे पास। ये बाइक वाले बंदे को मारने के बाद मुझे पीछे से फुटस्टेप्स आने लगता है, और ये वाला सिचुएशन को एंजॉय कर रहे हो तो लाइक ज़रूर करना वीडियो पे। ये दो बंदे को तो मैंने फिर से मार दिया, लेकिन इसके बाद बस फाइट रुकता नहीं है, और भी बंदे आने वाला है, और ऐसा टाइप का बंदे आने वाला है ना, लाइक मुझे फुटस्टेप्स आ जाता है तो मैं ढूंढने के लिए थोड़ा ऊपर तक तो जाता हूँ, लेकिन मुझे मिलता ही नहीं वहाँ पर। और जैसे मैं रिट्रीट करने का ट्राई करता हूँ ना वहाँ से, वैसे ही मुझे बैकफायर करता है वो वाला बंदा। तो ये दो बंदे को मारने के बाद मैं थोड़ा स्मोक कर लेता हूँ और लूटने का ट्राई करता हूँ थोड़ा, कि हाँ चलो थोड़ा स्कोप वगैरह मिल गया 6x वगैरह, तो स्मोक करके थोड़ा लूट लेता हूँ। और उसी टाइम मुझे राइट से फुटस्टेप्स का साउंड आता है, तो मैं थोड़ा देखने के लिए चला जाता हूँ कि वो बंदा का फुटस्टेप्स एग्जैक्टली कहाँ से आ रहा था। तो बंदा तो मुझे स्पॉट नहीं होता, तो मैं एक और स्मोक कर देता हूँ ताकि मुझे अच्छा सा कवर मिले, और मैं थोड़ा बूस्टर्स मारने लगता हूँ क्योंकि वो बंदा तो स्पॉट ही नहीं होता। तो मैं वहाँ से बच के तो आ जाता हूँ, लेकिन इधर पेड़ के पास आने के बाद ना मुझे लेफ्ट से भी साउंड आता है फुटस्टेप्स का, और आगे से भी साउंड आता है,
और यहाँ पे कुछ जगह ठीक ठाक नहीं था, तो मेरे पास जितना स्मोक था मैं सारा स्मोक करके थोड़ा खुद को मतलब कंफर्टेबल सिचुएशन में लेके आने का ट्राई कर रहा था। ये वाला सिचुएशन को टैकल करने के लिए एक सब्सक्राइब वाला बटन तो बनता है, क्योंकि मेरा चैनल पे अभी तक 80% व्यूअर्स ऐसा है जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, तो मुझे सपोर्ट करने के लिए ना एक सब्सक्राइब वाला बटन से मुझे बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट मिल जाता है। और इस वीडियो को लाइक करके भी आप लोग इसका रिस्पॉन्स जाना सकते हो कि पसंद आया कि नहीं आपको ये वाला वीडियो। और अगर मेरे पास अभी MG3 नहीं रहता ना, तो शायद इस सिचुएशन को मैं कभी टैकल नहीं कर पाता था। लाइक मैं कब का मर चुका होता अगर MG3 नहीं रहता तो, क्योंकि MG3 का जो बुलेट रहता है ना वो 7.62 का रहता है और इसका जो फायर रेट है वो बहुत ही ज़्यादा है, तो इसीलिए बहुत ही कम टाइम में एनिमी नॉक हो जाता है। तो इस वीडियो को पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि इससे मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। और इस वीडियो को आप लोग अभी तक देख रहे हो ना, तो राइट साइड वाला वीडियो को क्लिक करके आप लोग देख सकते हो iPad mini 6 का अनबॉक्सिंग वाला वीडियो, और लेफ्ट साइड वाला वीडियो को क्लिक करके आप लोग देख सकते हो मेरा फेस रिव्यू वाला वीडियो। तो दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइस, मिलते हैं कल वाला वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।